वेलकम टू आवर चैनल लाइफ इन ट्रेडिंग। आज का वॉच लिस्ट तैयार हो चुका है, आज का नहीं ये कल का वॉच लिस्ट है, मीन्स 2 जून का। तो 2 जून के लिए ये 3 स्टॉक जो कि बहुत ही ज़्यादा बुलिश है और अच्छा मूवमेंट देखने को हम लोग को कल इसमें मिल सकता है, और किस रीजन से मिलेगा इसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग करेंगे तो संभल के कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक्स जो है ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट देने वाले हैं, और ये ब्रेकआउट देने के बाद इसमें क्लोजिंग वगैरह को समझना पड़ता है, क्योंकि ब्रेकआउट ज़्यादातर फॉल्स हो जाता है। तो उस चीज़ के बारे में आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले निफ्टी के बारे में जान लेते हैं। निफ्टी फिलहाल थोड़ा नेगेटिव हो रहा है, मगर निफ्टी जो ट्रेंड को पकड़ के चल रहा है, ये निफ्टी का अप ट्रेंड, यहाँ से कंटिन्यूस निफ्टी इस लाइन को पकड़ के ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये कंटिन्यूस अभी ऊपर की तरफ रैली में है। तो अभी हम लोग बुलिश है, निफ्टी बुलिश है, मगर बैंक निफ्टी को देखा है तो बैंक निफ्टी थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी का भी एक जो लाइन ड्रॉ किया हुआ ट्रेड लाइन, ये भी बैंक निफ्टी फिलहाल अभी तक ऊपर का रैली में जा रहा था, और इस जगह पे बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आया डाउन साइड में। और इस जगह पे ब्रेकआउट आने के बाद, जैसे हम हमेशा बोलते हैं, ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट हमेशा से रिटेस्ट करने जाता है, तो इस जगह पे हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा, जिसकी वजह से ट्रेंड शायद ऊपर जाने के बजाय मार्केट आज सारा दिन इसी रेंज में रह गया, कोई मूवमेंट अच्छे से नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा बैंक निफ्टी को देखे कि बैंक निफ्टी नीचे गिरेगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट यहाँ पे आया मार्केट में, मार्केट डाउन भी हुआ, मार्केट वापस से ऊपर गया, वापस से उसी लेवल से इसको रिजेक्शन मिला। तो इस जगह पे हमको थोड़ा बहुत डाउट है कि शायद इस जगह से मार्केट थोड़ा नीचे गिर सकता है, या फिर मार्केट थोड़ा गिरने के बाद कंसोलिडेशन हो के थोड़ा रेंज बाउंड हो के वापस से ऊपर जाएगा। तो कुछ दिन हमको लग रहा है कि 2-3 दिन अब मार्केट हम लोग का इसी रेंज में ट्रेड होगा, साइडवेज मार्केट रहेगा, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपोजिट हो गया है। स्टॉक्स में टेक HM बहुत अच्छा ग्राफ बनाया है, और ये अपना ब्रेक करने वाला है हाई को, और ये फिलहाल अभी यहाँ का जितना इसका रेसिस्टेंस है, ये इसमें इसको कहीं रेसिस्टेंस नहीं लग रहा है। इसको अगर हम लोग 45 मिनट का या 1 आवर का ग्राफ में देखेंगे तो टेक HM कुछ इस तरह से मार्केट में धीरे धीरे ऊपर हो रहा है, नीचे ऊपर वापस से। तो ये एक डबल बॉटम क्रिएट हो कि यहाँ से ये ब्रेकआउट देने की कोशिश में, और इस जगह पे कंसोलिडेशन रेंज आया है। इस रेंज के बीच में कुछ दिन से मार्केट में बहुत दिन ट्रेडिंग हुआ, तो ये एक रेंज बना है, जहाँ से अगर ये रेंज के ऊपर जाता है तो हम लोग को बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये जैसे ही यहाँ पे क्या है कि बहुत जन का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा शायद, क्योंकि मार्केट इसी रेंज बाउंड में है, सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे या फिर यहाँ पे, जो लोग बाय किए उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे, जो लोग सेल किए उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे। तो किसी भी जगह का स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो मूवमेंट आएगा ही, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। तो फिलहाल इसको देख के लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा कल। तो अगर 1033.220 के ऊपर मार्केट जाता है तो हम लोग बाई करेंगे, स्टॉप लॉस लगा देंगे 1012.7 का, फर्स्ट टारगेट बुक करेंगे 1044.95 और सेकंड टारगेट बुक करेंगे 1063। तो रीज़न जान लीजिए स्टॉप लॉस यहाँ पे क्यों लगाएं, क्योंकि इस जगह सबसे ज़्यादा टचेस मिला है इसको, सबसे ज़्यादा कंसोलिडेशन इस रेंज में हुआ है, इस प्राइस के ऊपर हुआ है, 1012.7 जो है इस प्राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा टचेस मिला है इसको, इसलिए हम लोग इसको स्टॉप लॉस मानेंगे, और इस जगह को ऊपर में सबसे ज़्यादा टचेस मिला इसलिए हम लोग इसको ब्रेकआउट जोन माने, क्योंकि मार्केट अभी फिलहाल हम लोग का ऊपर के साइड ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, इसलिए हम लोग इसमें ऊपर के साइड बाई करेंगे। डॉक्टर रेड्डी ये भी बहुत अच्छा चार्ट बना है, और आने वाले समय में इसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिल सकता है। बड़े टाइम फ्रेम में 1 आवर के चार्ट में आप अगर सही से देखेंगे तो एक पैटर्न तैयार हुआ है हेड एंड शोल्डर जैसे, ये शोल्डर अच्छा से कंज्यूम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से थोड़ा डाउट है अभी ट्रेंड में। फिलहाल अगर डॉक्टर रेड्डी 50551 के ऊपर जाता तो बहुत अच्छा हम लोग को मूवमेंट देखने को मिला, क्योंकि इसका डॉक्टर रेड्डी का लास्ट ये हाई है, और ये बहुत अच्छा रेंज बाउंड भी मिला है। तो जितना ये गैप था उतना हम लोग को ऊपर का टारगेट मिलेगा, 6259 तक का हम लोग को टारगेट मिलेगा। मगर ये पोजिशनल ट्रेड के बारे में डिस्कस किए, इंट्राडे में आ जाते हैं कि इंट्राडे में हम लोग को इसको कहाँ पे बाई करना है। इंट्राडे में जब ये 5539.95 के ऊपर जाएगा तो बाई करेंगे, और स्टॉप लॉस को 5264 के पास में लगा देंगे, फर्स्ट टारगेट बुक करेंगे 5370 और सेकंड टारगेट बुक करेंगे 5461 के पास में। बजाज फाइनेंस ऑल टाइम हाई के पास पहुंच चुका है, और ऑल टाइम हाई इसका लगभग ब्रेक होने वाला है, तो
बजाज फाइनेंस इस हाई पे है और ये पिक अगर बजाज फाइनेंस का ब्रेक होता है जो कि 5821 का है वो अगर होता है तो बहुत अच्छा हम लोग को मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हम लोग इंट्राडे के बारे में आ जाते हैं। ये मूवमेंट बड़े टाइम फ्रेम का है तो हम लोग बड़े टाइम के फ्रेम के बारे में बात नहीं करें क्योंकि हम लोग का टाइम बाउंडिंग होता है स्क्वायर ऑफ का। तो हम लोग 5818 के ऊपर जाएगा तो बाई करेंगे और इसके ऊपर जाएगा तो कम से कम 5-10 मिनट सस्टेन करे तो और अच्छा हम लोग को प्लस पॉइंट मिलेगा ट्रेंड के बारे में, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई तो इस जगह से बहुत बड़ा रिजेक्शन मिलता है, कल भी रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ट्रेडिंग सेफ तरीका से कीजिएगा, कंफर्म होने के बाद 5818 के ऊपर जाएगा तो बाई करना है, 5752 के पास स्टॉप लॉस लगाना है, 5943 के पास फर्स्ट टारगेट बुक करेंगे और 6065 के पास सेकंड टारगेट। कल अगर अच्छे से ब्रेकआउट आया तो हम लोग को शायद कल दोनों टारगेट अचीव हो सकता है, मार्केट में वॉलीटिलिटी रहा वॉल्यूम रहा तो हो सकता है। मगर फिलहाल के लिए एक बात जान लेते हैं कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट जब आता है तो वो एक बार रिटेस्ट करने आता है। तो इस जगह पे जब भी ब्रेकआउट आएगा सिम्टम हम बता दे रहे हैं कि इस तरीके का कल ऐसा चीज़ अगर देखने को मिले तो कन्फर्म ब्रेकआउट होगा। इस जगह के ऊपर जब जाएगा तो इन सब वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम का हाइट है, ये सब वॉल्यूम का हाइट जो नीचे हम लोग का वॉल्यूम दिख रहा है ये ग्रीन रेड का, ये वॉल्यूम से ज़्यादा, इस वॉल्यूम से अगर ज़्यादा वॉल्यूम इस जगह पे आता है ब्रेकआउट होने के बाद तो कन्फर्म ब्रेकआउट हो जाएगा। वहाँ पर हम लोग कन्फर्म हो जाएगा कि ब्रेकआउट आया है। और अगर इस जगह पर मिस आउट हो जाते हैं आप तो अगर मार्केट ऊपर जाता है वापस से मार्केट नीचे आएगा इस जगह के पास में मार्केट सपोर्ट लेने वापस आएगा। जब भी ब्रेकआउट होगा ऑल टाइम हाई तो वापस रिटेस्ट करने आता है। टारगेट अगर कंप्लीट ना करे हाफ मिडिल तक मार्केट पहुंचेगा वापस, वहां से अगर रिटर्न आता है तो इस जगह पर रिटर्न होकर आप वापस इस जगह पर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो आप इस जगह पर री एंट्री ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहाँ पे क्लोज करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वॉच लिस्ट कल का है 2 जून का मीन्स वेडनेसडे का। तो अच्छे से ट्रेडिंग कीजिएगा, हमेशा याद रहे ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखना है, कभी भी एक ट्रेड पे सारा पैसा नहीं लगाना है। थैंक यू।